देख रहे करनाल ब्रेकिंग न्यूज। हम देख रहे हैं कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले कई सालों से जो बहनें होती हैं उनको रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर एक अच्छा तोहफा दिया जाता है, जिसमें हरियाणा रोडवेज जहाँ तक भी चलती है उन लोगों को फ्री राइड दी जाती है। मतलब जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों के लिए दो दिन बिल्कुल जो सवारी है, जो राइड है, वो बिल्कुल मुफ्त रहती है। और साथ में अगर उनके बच्चे हैं और बच्चों की उम्र 15 साल तक है तो उनके लिए भी ये जो बस राइड होती है वो बिल्कुल फ्री रहती है। और इस बार भी जैसे कि हमें पता है कि 30 अगस्त को जो है रक्षाबंधन होने वाला है, तो दो दिन पहले यानी कि कल 29 दोपहर को 12 बजे से लेकर 30 यानी कि रक्षाबंधन के दिन रात को 12 बजे तक ये जो राइड है दो दिन के लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है। और बताया जा रहा है कि 148 बसें जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त राइड देने वाली है महिलाओं को, लड़कियों को। तो अगर आप लोगों को भी अपने भाई के घर जाना है रक्षाबंधन मनाने के लिए, कहीं पर भी जाना है, दिल्ली जाना है, हरियाणा में कहीं भी जाना है, तो आप लोग जो है आप लोगों को कुछ भी टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुफ्त आप लोग राइड कर सकते हो। 15 साल के अगर आपके बच्चे हैं, 15 साल तक के बच्चों के लिए भी जो बस राइड है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। और इसी के बीच में जो कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कितनी खुशी है, खुशी का त्यौहार है और एक अच्छा तोहफा हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हर साल महिलाओं को देता है, मुफ्त राइड देता है ताकि वो अपने घर जाना चाहती हैं। कईयों की शादी हुई होती है, उनको अपने मायके जाना होता है, अपने भाइयों को राखी बांधनी होती है, तो खुशी का पर्व होता है और एक बहुत ही अच्छी पहल इसमें हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है। और साथ में जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी बोला कि इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि त्योहारों को आजकल लोग उतने उत्साह के साथ मनाते नहीं हैं, तो अगर इस तरीके के तोहफे दिए जाएंगे, फ्री राइड दी जाएगी, तो लोगों में एक उत्साह आता है, एक खुशी होती है, क्योंकि फ्री की चीज़ें सबको अच्छी लगती है। और साथ में दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बहनें होती है वो बहुत सारे मतलब ऐसे कल्चर में लोग होते हैं जो कि फ्री जो फास्ट रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस तरीके से फ्री राइड दी जाती है ताकि उन लोगों को काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक अच्छा जेस्चर उन लोगों की तरफ जो है हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिखाता हुआ नजर आता है। तो बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है कि हरियाणा सरकार ने हमारे लिए ये फ्री किराया किया है कि भाई 29 और 30 तारीख को आप फ्री जा सकते हैं बस में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। और मैं संतुष्ट हूँ कि भाई अपनी सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा सकती हैं, फ्री है और भाई भी इसका त्यौहार का मैं तो हर भाई और बहन को पता होता है कि भाई कितना महत्वपूर्ण त्यौहार होता है कि सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांध कर ये उनसे मांगते हैं कि भाई वो उनकी रक्षा करें और अपना प्यार जताती हैं। क्या करना चाहेंगी बहन? सभी बहन अपने भाइयों को अच्छे से राखी बांधने और फ्री बस की सेवा लें और अपने भाइयों को खुश करें। ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है बहनों के लिए, रक्षाबंधन बहन भाइयों का त्यौहार होता है और इसमें बहनें अपने भाइयों के पास जा सकती है, वो पूरा साल भर इंतजार करती है इस त्यौहार का, तो ये बहुत अच्छी। किस तरह मान्यता है क्या? ये बहन भाइयों का एक अच्छा त्यौहार होता है, इसको बहन भाई अपने लिए मनाते हैं। हाँ जी, वो इससे फ्री में अपनी बहन अपने भाई के घर पे जा सकती है, जो नहीं जा पा रही थी वो भी जा सकती है अपने भाइयों के पास में। मनीषा, सबसे पहले मैं बहनों को, सभी अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूं। और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने 29 तारीख दोपहर के 12 बजे से सभी जितनी भी महिलाएं यात्री हैं उनके लिए यात्रा फ्री कर दी गई है और ये यात्रा 30 तारीख को रात्रि के 12 बजे तक रहेगी। इसमें 15 वर्ष तक का एक बच्चा भी महिला के साथ फ्री रहेगा। हमारे पास 151 बसें हैं टोटल, तो दो तीन बसें वर्कशॉप में डिटेन रहती है, तो 148 के आसपास बसें हमारी मार्ग पर संचालित रहेंगी। और इसमें हमने ड्यूटी इंस्पेक्टर और ट्रैफिक मैनेजर, ट्रैफिक इंचार्ज सबको निर्देश दे दिए हैं किसी प्रकार की असुविधा ना रहे और प्रॉपर बसें संचालित रहे। देखो ये फ्री फैसिलिटी है, भीड़ तो शायद इसमें बढ़ेगी लेकिन उसको हम पीछे भी हम कंट्रोल करते रहे हैं और इसी तरह से अच्छी तरह से प्रबंधन करके उसको कंट्रोल कर लेंगे। किस तरह के इंतजाम हैं सीट वगैरह के लिए? हाँ, सीटें तो वही है रहेंगी, तो 150 हमारे पास 20 बसें हैं जो 32 सीटों की है और बाकी बसें 54 बस सीटों की हैं। बस
सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई है। क्या कहेंगे यहाँ की बहनों का नाम क्या है, अपना सफर तय करेगा? हाँ, करनाल राज्य परिवहन करनाल उनका स्वागत करता है, वो इस फ्री फैसिलिटी का अच्छे से लुत्फ उठाए। हाँ, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, जो वर्कशॉप में हैं, उनको हम मार्ग पे उनकी ड्यूटी लगा देंगे। जो एडवांस बुकिंग में कर रहे हैं कंडक्टर, उनको भी हम उसमें मार्ग पे लगा देंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना रहे। ये 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से 30 तारीख रात्रि के 12 बजे तक सभी बहनें फ्री यात्रा का लुत्फ।